हेलो, मैं फरहीन वेलकम करती हूँ अपने चैनल जायकेदार में। आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस मुंबई स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तवा पुलाव, जिसके में हम ऐड करेंगे तमाम मसाले, वेजीज और पाव भाजी मसाला। इसके बिना तो तवा पुलाव अधूरा है। तो चलिए तवा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके 10 सेकंड लेना चाहूँगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू। पैन में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि हमें इसमें बटर भी ऐड करना है, इसलिए ऑयल थोड़ा कम लेंगे और ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर ज़्यादा हो तो ही तवे पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो और इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, इससे ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा। तो ऐड करेंगे चॉप जिंजर, इसे भी अच्छे से सॉटे करेंगे। अब इसमें ऐड करें मैंने 2 चॉप्ड टमाटोज मीडियम साइज के, इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटोज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून, कश्मीरी रेड चिली, और ऐड करेंगे लाल मिर्च और लहसुन की चटनी जो बहुत ही मस्त है 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड आप ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती हैं। और स्ट्रीट फूड पे जो तवा पुलाव बनाते हैं तो ये पेस्ट वो लोग ज़रूर ऐड करते हैं, तो इससे जो हमारे तवा पुलाव का टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन जो मैंने स्क्वायर चॉप किए हैं, क्योंकि हमें अनियंस को नहीं गलाना है, इसे ट्रांसलूसेंट करना है, इसलिए बाद में ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजीज, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, मटर और फ्रेंच बीन्स, और इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और वेजीज भी आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लिड लगा के थोड़ी देर हमें कुक करना है ताकि हमारा मसाला और वेजीज अच्छे से कुक हो जाए। बस 5 मिनट हमने लो फ्लेम पर रखा, और अब ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज और हरा धनिया। चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर से बोल रही हूँ, ऐड करें, लेकिन थोड़ी सी ग्रीन चिलीज आप ज़रूर ऐड करें। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भाजियों को हमें बिल्कुल ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा इनमें क्रंच होना चाहिए तो टेस्ट अच्छा आता है। देखिए अब अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 किलो चावल जो पहले से कुक करके रखे थे। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस है तो आप उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्रेश चावल ही बॉईल करना है, लेफ़्ट ओवर में भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स होते ही हमारा तवा पुलाव रेडी है सर्व करने के लिए। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कितने कम टाइम में हमारा तवा पुलाव बनके तैयार है। आप बाहर स्ट्रीट फूड के जैसा तवा पुलाव घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो आप इस बढ़िया सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। बाय।